recovered. So if that deformation cannot be recovered, then that can be called as a failure. So for having this analysis, whenever failure occurs, that occurs generally due to high amount of stresses. That can be direct stress or that can be shear stress. So the highest amount of stress in a particular direction and also a lowest amount of stress in some particular directions will be called or are known as principal stresses. So what is principal stress? Principal stress is whenever we are having any machine element and that machine element is stressed in some direction, then there are many directions or many angles by which we can see it, we can analyze it for stresses. And of those directions, one of the direction will be such that it will have the largest amount of stress present. So that largest amount of stress present is called as principal stress, and corresponding plane at which that stress occurs is called as principal plane. So principal stress or principal plane kya hai, ye samajh aa gaya aap sabko? Koi jana bol do. Yes sir. तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये बात समझ नहीं आई इसमें कि जो प्रिंसिपल प्लेन होता है इसमें कोई स्ट्रेस ही नहीं होता. प्रिंसिपल जो प्लेन होता है ये वो प्लेन है जिस प्लेन में इस प्रिंसिपल स्ट्रेस पाया जाएगा. ठीक है देखो सर दीस परपेंडिकुलर प्लेन्स व्हिच हैव नो शियर स्ट्रेस उसमें स्ट्रेस ही नहीं है. शियर स्ट्रेस नहीं है. शियर स्ट्रेस नहीं है पर डायरेक्ट स्ट्रेस है. ठीक है ना. Principal planes means shear stress is zero, but direct stresses are maximum as well as minimum. दो stress होंगे, ठीक है? Sir, मतलब principal plane में सिर्फ normal stress लगेगी, sir. बाकी stress कोई नहीं लगेगा. हाँ, normal stress लगेगा. सिर्फ normal stress. Sir, maximum इसमें maximum minimum वाली बात भी समझ नहीं आई थी. मतलब दो stress लग रहे हैं normal sigma one sigma two. तो sigma one ज़्यादा है sigma two से तो ये कह रहे हैं क्या वो ज़्यादा maximum है वो minimum है? हाँ, sigma one और sigma two जो हैं sigma one वाला मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा टू वाला मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है. ठीक है. अब मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा वीडियो दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी थोड़ी सी और बनेगी. बेसिकली ये क्या है, एक यूट्यूब चैनल है, इसको आप भी स्टडी कर सकते हैं. मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करता हूँ इसकी, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, ये यूट्यूब वाला वीडियो दिखाई दे गया? Yes sir. हाँ, तो अभी इसको सुनो. सुनाई दे रहा है? No sir. तो अभी चलो मैं बोल देता हूँ. ये स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. तो इसमें क्या हो रहा है कि एक स्ट्रेस एलिमेंट दिख रहा है जिसके अंदर की दो डायरेक्शन में, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आपको दो स्ट्रेसेस दिखा रखे हैं. तो ये स्ट्रेसेस कौन कौन से दिखा रखे हैं? ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दिखा रखे हैं. एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में सिग्मा एक्स है, ठीक है, और सिग्मा वाई जो है वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन में है. बाकी चार स्ट्रेसेस आपको और दिखाई दे रहे हैं, टाउ एक्स वाई जो लिखा हुआ है. ये शियर स्ट्रेसेस हैं. सो बेसिकली आपको क्या शो किया गया है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ मशीन एलिमेंट. तो मशीन एलिमेंट खुद ही एक मशीन का पार्ट है, उस पार्ट का भी एक पार्ट दिखाया है. तो ये पार्ट क्या शो कर रहा है, एक छोटा सा पार्ट है जिसके ऊपर लगने वाले सभी स्ट्रेसेस को स्टडी किया जा रहा है. तो इस पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इन्हें एक ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप का पार्ट कंसिडर करते हैं तो उसमें ये चार साइड जो हैं इसकी, इन चारों साइड पर क्या क्या स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहे हैं. तो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में सिग्मा एक्स, ये समझ आ गया. एक्स वाई वाई वाली डायरेक्शन में सिग्मा वाई हो गया. और जो इसके चार फेसेस या चार एजेस हैं उन पर एक शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई ये अपियर हो गया है. इतनी बात समझ आ गई, ये स्ट्रेस एलिमेंट है क्या, ये क्या दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में? इसमें सर ये बात समझ नहीं आई, जो ये शियर स्ट्रेस है, ये जो मान लो सिग्मा एक्स है तो इसके परपेंडिकुलर है ये शियर स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस
अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फेस या साइड होता है। हाँ सर, वो फेस के साइड तो है, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में, मतलब तीन प्लेन है ना, कौन से वाले प्लेन के डायरेक्शन में है ये? ये हमने अभी 2D दिखा, देखो नीचे लिखा हुआ रहा है ना, कंसीडरिंग अ 2D स्ट्रेस एलिमेंट, ते 2D स्ट्रेस एलिमेंट का है, 3D में अभी नहीं कंसीडर कर रहे हैं। 2D में अगर हम कंसीडर करेंगे तो चार साइड होंगी, फेस नहीं होंगे ना, चार साइड्स होंगी। तो ये जो चार साइड्स हैं, इन साइड्स के पैरेलल जो स्ट्रेस लगेंगे वो शियर स्ट्रेसेस होंगे, और जो इन साइड्स के परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस जो लगेंगे वो डायरेक्ट या नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगे, ठीक है ना। तो जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर फेसेस या फिर साइड्स कह लें 2D में, उन पर लगने वाले स्ट्रेसेस एक्स सिग्मा एक्स हैं, ठीक है ना। तो ये क्या दिखा रखे है, इसमें जो दोनों हैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, दोनों टेंसाइल दिखाए हुए, ये इस एलिमेंट को खींच रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में खींच रहे हैं, दबा नहीं रहा कोई सा भी। तो अगर दबाने वाली बात होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात होगी, तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे, माइनस साइन इंडिकेट करेगा डायरेक्शन रिवर्स, ठीक। तो जो भी कुछ एनालिसिस इसमें निकल के आएगा उसके माइनस की डायरेक्शन में रिवर्स एनालिसिस हो जाएगा, ठीक। और ये जो टाउ एक्स वाई है, टाउ एक्स वाई इज अलोंग द साइड, तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसा आप समझ लेंगे कि शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस के परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि शियर स्ट्रेस साइड के पैरेलल होता है और नॉर्मल स्ट्रेस साइड के परपेंडिकुलर होता है, तो यही एंगल इन दोनों स्ट्रेसेस के बीच में भी लगेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? यस सर। हाँ तो ठीक है, आगे आगे कंटिन्यू। तो यहाँ प्लेन स्ट्रेस की बात कर रहे हैं कि प्लेन में क्या क्या स्ट्रेसेस हैं। तो दो तरह के स्ट्रेस आपको कलर के साथ दिखा दिए। अभी एग्जांपल है कि बीम के अंदर, जिसके अंदर एक एक्सियल लोड लगाया हुआ है, ये इस डायरेक्शन में है, स्ट्रेस जब लगाएंगे तो ये सिंपल कैसे आपका ये रहेगा, इस स्ट्रेस एलिमेंट को एनालाइज किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो अप्लाइड स्ट्रेस है इसमें शियर तो जीरो हो जाएगा, शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। ये बात समझ आ गई ना कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ही सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस लगाया गया है, देन इफ वी आर एनालाइजिंग दिस येलो पार्ट, येलो पार्ट क्या है, अपना स्ट्रेस एलिमेंट है। इस स्ट्रेस एलिमेंट पे अगर हम एनालाइज करते हैं कि एक्स सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की तीन चीजों की वैल्यू क्या होंगी, तो इसमें सिग्मा एक्स की वैल्यू आपकी वो होगी जो अप्लाइड स्ट्रेस है, जो नीले कलर के एरोज दिखा रखे हैं, उसकी जो भी वैल्यू होगी स्ट्रेस की, सेम विल बी सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, दैट विल बी जीरो। एंड ऑल्सो टाउ एक्स वाई, जो आपका शियर स्ट्रेस था, दैट विल ऑल्सो बी एबसेंट, ठीक है। बात समझ आ गई? वेरी सिंपल जो एलिमेंट का डायरेक्शन दिखा रखा है, बहुत सिंपल है ये, समझ आ गया आपको? ठीक है। तो इसमें से इस अगर हमने एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा रहे हैं तब ये बात होगी, बट इट कैन बी कि ये जो आपका मशीन एलिमेंट है ये एक सिंगल पार्ट ना हो, ऐसा हो सकता है कि ये एक अकेला सिंगल पार्ट ना हो, बल्कि इसमें क्या हो कि एक इंक्लाइंड डायरेक्शन में, ये एक समझ लो आप, ये रेल की पटरी है, ठीक, और इसमें हमने बीम्स को वेल्डिंग करके जोड़ा हुआ है, या फिर ये अगर रेल की पटरी नहीं है तो ये एक सपोर्ट है जिसके ऊपर कोई छत रखी हुई है, ठीक है, रूफ के नीचे का सपोर्ट है, और इसमें हमने बीम्स लगाए हुए हैं, बीम्स के ऊपर फट्टे रखे हुए हैं या छत रखी हुई है या कोई मशीन रखी हुई है, और वो बीम हमारे पास लंबाई में कम था और तिरछा कटा हुआ था, दो बीमों को हमने इंक्लाइंड में वेल्डिंग करके जोड़ा है। तो ऐसे केस में जो ये अप्लाइड स्ट्रेस है वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है और आपका जो वेल्डिंग है वो इंक्लाइंड डायरेक्शन में है, तो उस इंक्लाइंड एंगल पर क्या वैल्यूज रहेंगी वो एनालाइज करना है। तो आप अब ये देखो कि वेल्ड कैसा है, ऐसा वेल्ड है, ठीक। तो अब हमें इस डायरेक्शन में स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू दिस वेल्ड ये हमें एनालाइज करना है। अभी समझ आ गई ये वाली बात क्या हुई, कि अभी हमें करना क्या है एनालाइज, वो ये करना है कि अभी हमारे पास जो मशीन एलिमेंट है ये सीधा सीधा नहीं था, इसको ऐसे तिरछे में वेल्ड कर रखा था, जॉइन है, जोड़ लगा रखा है,
और स्ट्रेस हमारे इस तरह एक्स एक्सिस में सीधे लगा रखे हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा स्ट्रेस एलिमेंट है घूम गया, ये वेल्ड के पैरेलल या फिर वेल्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया, तो कोई जिस भी फेस के बारे में बात करेंगे उसके हिसाब से पैरेलल परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इस स्ट्रेस एलिमेंट के दो फेसेस या दो साइड्स जो हैं, एक पैरेलल है एक परपेंडिकुलर है, तो एक जो हमारा अप्लाइड स्ट्रेस है वो ट्रांसलेट होगा, उसके कंपोनेंट तोड़े जाएंगे, जैसे हमारे फिजिक्स वाली क्लासेस में करते थे आप 12th में प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्या करते हैं कि उसके वेलोसिटी के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करते हैं ना, एक कॉस थीटा हो जाता है एक साइन थीटा हो जाता है, तो वैसे ही हमारे अप्लाइड स्ट्रेस के यहाँ इन दो साइड्स पर, जो एक पैरेलल वाली साइड है और जो परपेंडिकुलर साइड है, इन पर कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे, तो एक कंपोनेंट्स जो ब्रेक होंगे उसकी वजह से सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों नॉन जीरो हो जाएंगे, और साथ में देयर विल बी ऑल्सो अ शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे स्ट्रेस यहाँ पर अगर हमने कंसिडर किया, या फिर एक मिनट जरा, हाँ हेलो, तो ये आपको ये देखना है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो शेडेड एरिया है उसको हमने कंसीडर किया तो वैल्यूज अलग आएंगी, और अगर हमने इसको दूसरी डायरेक्शन में लिया तो अलग आएंगी। तो ये जो हमारी इक्वेशंस हैं जो इसमें अप्लाई होनी है, वो दीज आर दोज इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये इक्वेशन शो किए हुए हैं, तो ये इक्वेशंस क्या हैं, दीज आर स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और इसमें जो इनपुट्स हैं, जो इन इक्वेशंस को कैलकुलेट करने के लिए इनपुट लगेंगे, दीज आर नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस एट द स्टार्टिंग ओरिएंटेशन। तो जो स्टार्टिंग ओरिएंटेशन थी हमारी वो कौन सी थी, वो थी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस डायरेक्शन में सिग्मा एक्स की वैल्यू थी, वाई की वैल्यू जीरो थी, कॉस जो टू थीटा यहाँ लिखा है, थीटा क्या हो गया आपके कितनी डायरेक्शन में एलिमेंट घुमाया था वो, और ऐसे ही आपका टाऊ जो दिखा रखा है नीचे वो दूसरी वैल्यू आ गई, टाऊ शियर स्ट्रेस की है, और खाली जो सिग्मा है केवल सिग्मा वो प्रिंसिपल स्ट्रेस की है। सो दीज आर द वैल्यूज फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेसिस एंड प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस। ये इक्वेशन कहाँ से आई, वो जो आपने जो लेटेस्ट एग्जांपल बताया उसमें तो सर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों है, है ना? जो लेटर एग्जांपल मैंने बताया उस केस में क्या था, अप्लाइड स्ट्रेस सिर्फ एक्स एक्सिस डायरेक्शन में था, पर जब हमने वेल्डिंग तिरछी करी तो हमारा स्ट्रेस एलिमेंट घूम गया, स्ट्रेस एलिमेंट घूमने की वजह से उस स्ट्रेस एलिमेंट पे लगने वाले सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों अपीयर हो गए हैं, क्योंकि उस एलिमेंट तो... उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम घूम गया है ना, उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही रोटेट हो गए, पर हम जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को उसको नहीं रोटेट करेंगे, अगर उसको नहीं रोटेट करते हैं तो वो एक थीटा एंगल पर घुमा है, तो वो थीटा एंगल यहाँ कॉस टू थीटा में जो थीटा है उतना है, और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हमारे ओरिजिनल हैं, यानी कि हमारा जो अप्लाइड डायरेक्ट स्ट्रेस था वो सिग्मा एक्स है, अप्लाइड डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा वाई जीरो था ओरिजिनल, तो यहाँ पर ओरिजिनली वो जीरो रहेगा। तो ये स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं कि हमारे जो मैंने आपको पिछला डायग्राम दिखाया था अभी वीडियो में चला था, उस पर्टिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर टू द वेल्ड की डायरेक्शन में डायरेक्ट स्ट्रेस कितना है उसकी वैल्यू ये पहली इक्वेशन से निकलेगी, और उस पर्टिकुलर फेस पर शियर स्ट्रेस कितना है ये नीचे वाली इक्वेशन से निकलेगी। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सिग्मा वाई में मतलब लगा हुआ हो, सिग्मा वाई बिल्कुल हो सकता है सिग्मा वाई लगा हुआ हो, ये भी हो सकता है कि आपका जो वो मेंबर था अभी तो उसको सिर्फ खींच रखा था, अभी उसके ऊपर कोई वजन लटका भी देंगे सिग्मा वाई भी आ जाएगा, है ना, या वजन लटका दिया या उसके ऊपर रख दिया ऐसा कुछ करेंगे तो सिग्मा वाई भी आ जाएगा, उसके ऊपर हम एक मोटर लगा के घुमा देंगे तो टॉर्क भी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं उसमें, अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, मोमेंट्स या टॉर्क्स की बात नहीं कर रहे हैं।
तो सर आपने ये बोला कि जो ये जो सिग्मा है जो इतनी बड़ी इक्वेशन लिख रखी है जो लेटर वाला एग्जांपल है उसमें सिग्मा सर ये परपेंडिकुलर टू द वो वेल्डिंग वाला एरिया है क्या? हाँ, परपेंडिकुलर टू द वेल्ड है वो सिग्मा जो है और टाउ जो है वो पैरेलल टू द वेल्ड है। ओके सर, ठीक है ना। तो अभी ये पूरा वीडियो हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, अब इसको हो जाने दो। यस हाँ तो काउंटर क्लॉकवाइज में है ये थीटा, ये आपको लिखा हुआ भी आ ही रहा होगा। तो आप यहाँ पर देखो, ये एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा है कि जिसमें ये तीनों चीज़ें नॉन जीरो हैं, ठीक, सिग्मा एक्स ये 20 बता दिया, वाई 7 बता दिया, टाउ एक्स वाई 10 बता दिया, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? तो आप इस एग्जाम्पल को जरा देख के समझो। अब हम इस एलिमेंट को घुमाएंगे और ग्राफ बनाएंगे इसका। तो ये घुमा और आप देखो ग्राफ बन रहा है। तो इस ग्राफ पर आप देख रहे हो ये एक ग्रीन कलर की लाइन ये ऊपर से आ रही है 20 से जो शुरू हुई थी, और एक ये ब्लू कलर की लाइन जो 10 से शुरू हुई थी, ये ब्लू शियर स्ट्रेस दिखा रहा है और ये जो ग्रीन कलर है वो नॉर्मल स्ट्रेस दिखा रहा है। तो अब आप यहाँ पर ये देखना कि कैसे ये वैल्यूज चेंज हो रही है, और थीटा आपका यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है फिलहाल इस समय 76 डिग्रीज है, और ये कैसे कैसे ये वेरिएशन होगा। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि ये पूरा 180 डिग्री यानी उल्टा हो गया, स्ट्रेस एलिमेंट घुमा दिया है पूरा 180 डिग्री उल्टा हो गया है। तब क्या हुआ? तो अब आप इस ग्रीन वाले ग्राफ और इस ये जो ब्लू वाले ग्राफ में देख रहे हो, दोनों की दोनों साइन वेव्स हैं, दोनों साइन वेव वाला फॉर्म बना रहे हैं, साइनोसिडियल हैं, और दोनों के दोनों केस में अगर हम एक एक करके देखें, नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस ग्रीन कलर वाला ऊपर वाला ग्राफ है, इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू पाई जाती हैं। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाला ग्रीन ग्राफ जब मैक्सिमम वैल्यू पर है उस समय एग्जैक्टली उसी समय ब्लू ग्राफ जीरो है। समझ आ गया? इतना दिखाई दे रहा है। सेम वे जब ग्रीन ग्राफ मिनिमम है तब ब्लू अगेन जीरो है। इतना आप नोट कर पाए, देख पाए, समझ पाए इसको? Yes, बोले sir. तो इतना आपने देखा कि जब नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है तब शियर स्ट्रेस जीरो है। ठीक है बात? तो ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं? जो इससे पहले दो इक्वेशन दिखाई थी वहां से आ रही हैं। तो ये जो दो इससे पहले वाली इक्वेशंस थी उन इक्वेशंस को एनालाइज करके हमें ये पता चलता है कि नॉर्मल स्ट्रेस जो कि डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं, वो डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू जब मैक्सिमम होती है या फिर जब वो मिनिमम होती है, दोनों जगह शियर स्ट्रेस जीरो होता है। ठीक। और यही वो प्लेन्स हैं जहां या जिसको हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। और ये दो वैल्यूज जो हैं शियर स्ट्रेस, ये मैक्सिमम इसकी डायरेक्ट स्ट्रेस की और मिनिमम डायरेक्ट स्ट्रेस की, ये दो वैल्यूज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। तो डेफिनेशन से इतना नहीं समझ आता है, अभी इस एग्जांपल से आपको ये पता चल गई तीन चीज़ें मेन बात कि डायरेक्ट स्ट्रेस की मैक्सिमम एक वैल्यू है, एक मिनिमम वैल्यू है, और इन दोनों ही वैल्यू पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो है। ठीक। और ये तीन वैल्यू मेन चीज़ें हैं कि जब मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू, ये डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, मिनिमम होती है वो भी प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, और प्रिंसिपल स्ट्रेस जिस प्लेन पर लगता है, प्लेन पर लगने का मतलब जब आपका स्ट्रेस एलिमेंट उतने पर्टिकुलर डिग्रीज पर घुमा हुआ है, जितने पर्टिकुलर डिग्रीज पर घूमने से उसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आ रही है, दैट इज द प्रिंसिपल प्लेन। तो यहाँ आपको देखने में एक और चीज़ समझ में आएगी कि ये पूरा का पूरा साइन वेव 180 डिग्री पर घूम गया, तो अभी गोला पूरा करने के लिए 360 में एक बार और 180 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम डायरेक्ट स्ट्रेस के बीच में एंगल डिफरेंस, फेज डिफरेंस 90 डिग्रीज का है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल जो है दैट इज द डिफरेंस। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने कोई डायरेक्ट अप्लाइड स्ट्रेस, जो एक्सटर्नल स्ट्रेस था, उसकी वैल्यू नहीं चेंज की है। हमने क्या चेंज किया है? हमने चेंज किया है स्ट्रेस एलिमेंट की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन।
तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर हम चेंज कर रहे हैं इसकी और एक्सटर्नल अप्लाइड स्ट्रेस की वैल्यूज नहीं चेंज कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि वही लकड़ी का फट्टा था उसको खींचा हुआ था, उसके ऊपर वजन भी रखा हुआ था और उतना ही खिंचाव उतना ही वजन अभी भी रखा हुआ है और हम सिर्फ एनालाइज ये कर रहे हैं कि अगर इतने डिग्री एंगल पर हम देखेंगे तो क्या वैल्यूज हैं, उतने डिग्री पर देखेंगे तो क्या वैल्यूज हैं, सिर्फ यही चेंज किया है हमने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया है, अप्लाइड स्ट्रेसेस एक्सटर्नल जो थे वो नहीं चेंज किए हैं। तो हमने ये पाया कि जब हम अपना एप्लीकेशन जो एक एंगल ऑफ व्यू है उसको चेंज करके किसी एक ऐसी वैल्यू पर आ जाते हैं जहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, तो ये एक ऐसा एंगल है, एक ऐसा प्लेन है जहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यूज होने की वजह से इट इज़ वेरी फ्रेजाइल। अगर आपने अप्लाइड स्ट्रेसेस बढ़ा दिए तो ये मैक्सिमम की वैल्यूज की लिमिट से बाहर होने से वो मेंबर टूट सकता है या डिफॉर्म हो सकता है। ठीक, तो जब आपने कभी ऐसा फिजिकल वर्ल्ड में भी किया होगा, महसूस किया होगा कि कोई चीज़ अगर हम उसको खींचते हैं तो वो टूटती कैसे है, वो सीधे सीधे कट तो नहीं होता कि चाकू से काट दिया ऐसा कट बनेगा, आड़ा टेढ़ा कट मिलता है। तो जिसका थोड़ा ऊपर कौन है ये स्पीकर पे ध्यान तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर एनालिसिस से हमें क्या देखने को मिला या क्या समझने को मिला कि जब भी हम किसी चीज़ को खींचते हैं या किसी चीज़ पर लोड डालते हैं तो वो टूटती है, तो वो ऐसे नहीं टूटती कि चाकू से काटा हो, स्ट्रेट कट नहीं होता है, वो जिस डायरेक्शन में टूटती है वो डायरेक्शन है जहाँ पर स्ट्रेसेस की वैल्यू मैक्सिमम हो गई थी इंटरनली। कोई चीज है हमें यहाँ पर इस एनालिसिस से पता चलेगा कि वो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है अप्लाइड लोड के नहीं चेंज होने से। तो अगर हम उस पर्टिकुलर प्लेन पर या उस पर्टिकुलर डायरेक्शन पर स्ट्रेस की वैल्यू को कंट्रोल कर पाए ऐसा कि वो मैक्सिमम लिमिट से बाहर नहीं जाए तो हमारा एलिमेंट नहीं फेल होगा, नहीं टूटेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि स्ट्रेसेस जो है एक ही लोकेशन पे एनालाइज करने से हमने ये सब पता चल गया। सर इसका मतलब तो ये है कि भले हम कितना कम नॉर्मल स्ट्रेस लगाएं वो ना कोई भी चीज टूट तो पक्का सकती है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा प्लेन तो नहीं टूट नहीं सकती है। ऐसा है कि ये आपका कोई भी मटेरियल होता है उस मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना मैक्सिमम लोड ले सकता है। यंग्स मॉडुलस वाला नहीं एनालिसिस है जिसमें हमारे पास यील्ड स्ट्रेस निकलता है और उसमें वो अल्टीमेट स्ट्रेस निकलता है। सुनील सर ने आपको पढ़ाया भी होगा, सुनील सर ने पढ़ाया ना ये चीज़ें, यील्ड स्ट्रेस और मैक्सिमम ये कौन सा था अल्टीमेट स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस पे क्या होता है कि अनकंट्रोलेबल डिफॉर्मेशन हो जाती है कि छोटा सा स्ट्रेस लगाओगे और वो लंबा तार खींचता चला जाएगा, और अल्टीमेट स्ट्रेस में तो उसने टूट ही जाना है मटेरियल ने। तो ये उसकी लिमिट्स हैं, एंड्यूरेंस की लिमिट्स हैं कि अगर आप इसको इतना परेशान करोगे तो वो टूट जाएगा, इतना अगर जोर लगा दिया तो वो टूट जाएगा। तो ये अगर हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेस पर जो आने वाले प्रिंसिपल ये प्लेन पर स्ट्रेस की प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यूज यील्ड स्ट्रेस को नहीं पार करती है तो नहीं टूटेगा एलिमेंट। यील्ड स्ट्रेस को या अल्टीमेट स्ट्रेस को डिपेंडिंग ऑन कि आपका एप्लीकेशन क्या था, एप्लीकेशन आपका ब्रिटल मटेरियल का था कि डक्टाइल मटेरियल का था, तो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेस हम अल्टीमेट स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन पे देखते हैं ना सर। हाँ, प्रिंसिपल प्लेन पे देखते हैं। तो अगर हमारे प्रिंसिपल प्लेन पर अल्टीमेट स्ट्रेस या फिर यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस अपीयर हो जाएगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो मटेरियल नहीं फेल होगा, मशीन एलिमेंट चलेगा। ठीक, और ये यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू अप्लाइड स्ट्रेस की वैल्यू के बराबर नहीं होती है। ठीक, अप्लाइड स्ट्रेस की वैल्यू कुछ भी रहे, आप देख रहे हो सेम अप्लाइड स्ट्रेस की वैल्यू पर ये पूरा ग्राफ निकला है। अप्लाइड स्ट्रेस की वैल्यू नहीं बदलने से भी आप देख रहे हो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं।
ठीक है, इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। हाँ बोलो बोलो, कौन बोलो सर? जब आप कह रहे हो कि क्या, जब हम सीख रहे हैं किसी मटेरियल को, उस टाइम कांस्टेंट फोर्स को लगाने से? नहीं समझ आया मेरे को, थोड़ा सा क्लियर नहीं आवाज। जब हम को सीख रहे हैं, हाँ सर, हम कांस्टेंट फोर्स को लगा नहीं रहे, कांस्टेंट फोर्स पर ही खींच रहे हैं, उसको नहीं चेंज कर रहे। मतलब आप कह रहे थे ना कि जैसे हम उसको चाकू की तरह क्लियर, तो वो कटेगा नहीं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर कोई मटेरियल फेल होता है तो बिल्कुल स्ट्रेट कट तो मिलता नहीं है कि जिस डायरेक्शन में लगाया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट गया, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। आड़ा तिरछा कटता है, तो वो आड़ा तिरछा जैसा भी कटता है वो उस प्लेन पर कटता है जहाँ पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस अपीयर होता है। तो वही प्लेन जो है वो हमारा प्रिंसिपल प्लेन है, जिस प्लेन पर हमने डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, और प्रिंसिपल प्लेन पर शियर स्ट्रेस जीरो होता है, ये हमने इस ग्राफ से देख ही लिया। यस ठीक है, तो इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा आगे। तो आप देख रहे हैं कि एक्स फेस और वाई फेस की बात यहाँ पर दिख रही है कि अगर एक पर्टिकुलर फेस पर, जो एक्स एक्सिस वाला फेस है, इस पर मैक्सिमम वैल्यू अगर आती है, तो वाई वाला जो फेस है इस पर मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक, ये जो 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल दिखाई दे रहा है ना ग्राफ में, 90 डिग्री लिखा हुआ है, ये आपने देखा, तो ये 90 डिग्री क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू और नॉर्मल स्ट्रेस की मिनिमम वैल्यू के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेस एलिमेंट है इसके दो साइड्स 90 डिग्री पर ही हैं, यानी कि अगर नॉर्मल स्ट्रेस एक्स एक्सिस वाले प्लेन पर आ रहा है या एक्स एक्सिस वाली साइड पर आ रहा है, तो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस वाई एक्सिस वाली साइड पर उसी समय आएगा। आई बात समझ में? जिस समय ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस अपीयर हुआ, एक साइड होगा, किसी ना किसी एक साइड होगा, या तो हॉरिजॉन्टल साइड्स पर होगा या वर्टिकल साइड्स पर होगा। तो अगर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस समझ लो कि वर्टिकल साइड्स पर अपीयर हो रहा है, तो एट द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल साइड्स पर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस अपीयर होगा उसी समय। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बोलो ये तो तब की बात है ना, जब हम एक ही शीर मतलब एक ही स्ट्रेस लगा रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, अगर हम दो लगाएं तभी भी ऐसा है क्या? हाँ दो ही तो लगाए थे, इसमें एक कहाँ लगाया भाई? इसमें सिग्मा एक्स एक ही तो लगाया सर। नीचे देखो ना, सिग्मा वाई सेवन भी तो है, सिग्मा वाई भी तो है, सिग्मा वाई भी है, टाऊ एक्स वाई भी है, तीनों है। इसमें सारा कुछ लगा दिया। ठीक है सर। तो इसमें हमने क्या देखा, ये जो ग्राफ जो आपको दिखा रखा है, ये ग्राफ वो इससे पहले वाली इक्वेशन जो दिखाई थी उस इक्वेशन का ग्राफ है। तो इस ग्राफ से हमें, हाँ इस ग्राफ से, अब ये जो 90 डिग्री वाली बात है इसको जरा ध्यान से सुनना समझना। तो इसमें क्या है कि जब हमने देखा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में 90 डिग्री का फर्क दिख रहा है साफ साफ, तो यानी कि अगर सिग्मा एक्स जो अभी 20 दिखा रखा है और वहाँ ग्राफ में उसकी सिग्मा एक्स मैक्सिमम की वैल्यू है 25 ही आ रही है ना वहाँ पर लगभग, तो जब भी ये 25 किसी एक साइड पर अपीयर होगी एट एग्जैक्टली उसी समय दूसरी साइड पर मिनिमम वाली वैल्यूज भी अपीयर होंगी। ठीक है ना, तो ये अलग अलग एंगल पर नहीं है, ये स्ट्रेस एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा, तभी उसी समय ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एक साथ प्रकट हो जाएंगे। ठीक है ना, एक साइड मैक्सिमम दिखाई देगा और दूसरी साइड मिनिमम दिखाई देगा, और एग्जैक्टली उसी समय टाऊ एक्स वाई जीरो हो जाएगा। आगे ना बात समझ में? तो वो वाली सिचुएशन जब मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस दोनों अपीयर हो रहे हैं और शियर स्ट्रेस जीरो हो गया है, उस पोजीशन वाले प्लेन को नॉर्मल, ये प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। और ये जो तीनों स्ट्रेसेस हैं, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। ठीक, तो जो बुक में आपने एक पहला पेज देखा था प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन, उसको थोड़ा पढ़ोगे तो उसका अर्थ यही है।
ठीक वीडियो से थोड़ा समझ आ जाएगा सर। इसमें ये वाली बात सर आपको वापस बतानी पड़ेगी सर, क्योंकि समझ नहीं आई कि है ना उसी समय मतलब मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, एक समय तो एक ही तो वैल्यू रहेगी या मैक्सिमम रहेगी या मिनिमम, एक या फिर 180 डिग्री जाएंगे तो वापस वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। चलो चलो मैं दोबारा बताता हूँ आपको। तो यहाँ आपने देखा ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, ऊपर ग्रीन वाले ग्राफ में ये 90 डिग्री दिखा रखा है ना बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में 90 डिग्री जो दिख रहा है, यानी कि अगर हमने 90 डिग्री एलिमेंट को और घुमा दिया होता तो जिस सरफेस पर जिस जगह पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस अपीयर हो रहा था उस जगह पर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस अपीयर हो जाएगा। ठीक है इतनी बात? यस सर। ठीक, तो अगर हम देखें अभी इस पर्टिकुलर स्टेज पर जो स्ट्रेस एलिमेंट ये उल्टा लटका के रखा है, अगर ये 20 की जगह 25 हो जाता सिग्मा एक्स, अगर ये 20 की जगह 25 हो जाता तो ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन कहलाता। यस सर। और हम इसको 90 डिग्री और घुमा देते अब इस समय, तो जिस सरफेस पे ये सिग्मा एक्स 25 था वो सिग्मा एक्स की मिनिमम वैल्यू पर आ जाता, तो ये सरफेस कहाँ चले जाता, नीचे वाली साइड चला जाता। इसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो शेप थोड़ी चेंज होएगी, ये तो ऐसा ही रहेगा ना। तो यानी कि जिस समय सिग्मा एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है, सिग्मा वाई की वैल्यू मिनिमम अपने आप उसी समय है। अभी आई बात समझ में? हाँ सर, ये बात अभी ठीक है। ठीक है, अभी होगी बात क्लियर? यस सर। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस एट द सेम टाइम अपीयर होंगे, डिफरेंट साइड्स पर होंगे बट एट द सेम टाइम अपीयर होंगे। अब हो गया ना क्लियर ये? और सर जब ये मतलब 90 जब ये मिनिमम वैल्यू आ रही है ना, इस नॉर्मल स्ट्रेस की मिनिमम वैल्यू जो कि 135 डिग्री से पहले आ रही है, उस समय जो ये सिग्मा वाई वाला एलिमेंट है ये मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन सिग्मा एक्स वाला एलिमेंट है ये मिनिमम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे समझ लो। तो मतलब इनमें से एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा अपने आप मिनिमम हो जाएगा। हाँ ये समझ लो। ऐसी सिग्मा वाई की भी वैल्यू 25 जाएगी तब सिग्मा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब ये घूमता रहेगा तो अभी आपने ये पिछले एनिमेशन में देखो ना, ये मैं दोबारा से थोड़ा सा एनिमेशन पीछे कर देता हूँ। हाँ यहाँ से कर देते हैं, तो आप देखना ये 25 जिस समय पहुंच रहा है तब क्या हो रहा है। ये 25 जब हो रहा है तो वो जब एक 25 होता है दूसरा मिनिमम हो जाता है, पहला होता है। तो समझ आ गया ना, अभी देख लिया ना? यस सर। हाँ तो अब आपने ये देख लिया। अब ये है प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात, यहाँ पर आपको इधर ये बताइए, इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमने क्या देखा है, दो डायग्राम दिखा रखे हैं। एक जो है डायग्राम ये अप्लाइड वाली डायरेक्शन में है कि हमने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई ये अप्लाइड स्ट्रेसेस हैं, और इसके बाजू में ये जो घुमा हुआ डायग्राम है ये है प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन के केस में सिग्मा वन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा टू मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और थीटा पी प्रिंसिपल प्लेन का एंगल ऑफ रोटेशन है। ठीक, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एरोज जो बना रखे हैं सिग्मा वन के बड़े हैं, सिग्मा टू के छोटे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं बड़े वाला सिग्मा वन है छोटे वाला सिग्मा टू है, और टाउ एक्स वाई इज नॉट शोन बिकॉज वो जीरो है इस समय। ठीक है ना, बात समझ आ गई? यस सर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया कि हमारा जो एक मशीन एलिमेंट है जिस पर कि ऐसे बाई एक्सियल डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई किया, बाई एक्सियल यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो अलग अलग एक्सिस पे स्ट्रेस अप्लाई किए हैं, तो क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर स्ट्रेस अप्लाई किए हैं तो हमने ये नहीं बोला कि डायरेक्ट किए थे कि शियर किए थे, तो दोनों अप्लाई कर दिए। सिग्मा एक्स डायरेक्ट स्ट्रेस है, सिग्मा वाई डायरेक्ट स्ट्रेस है, सिग्मा एक्स वाई शियर स्ट्रेस है। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई ये चारों साइड्स पर सेम वैल्यू रखेगा। ठीक है ना, चारों साइड्स पर सिग्मा एक्स की वाई की वैल्यू सेम होगी बट डायरेक्शन आपकी ये डिफरेंट होंगी, वो ये दिखा रखी है कि राइट साइड पर डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होगी, लेफ्ट साइड पर ऊपर से नीचे की तरफ होगी, और ऊपर वाली डायरेक्शन और नीचे वाली डायरेक्शन जो है सरफेस की वो आपको दिखा रखी है। तो ये समझ आ गया प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल प्लेन है क्या एक्चुअल। ठीक है ना।
तो थीटा पी आपका ये सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस का वो एंगल है नॉर्मल प्लेन का। तो ये फेलियर को प्रिडिक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि सिग्मा वन मैक्सिमम है और हमारे इस मैक्सिमम वैल्यूज के आगे नहीं जाना है। तो मैक्सिमम से अगर हम आगे चले जाएंगे तो क्या होगा, फेलियर अकर हो जाएगा। तो फेलियर अकर ना हो इसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने फिर ये किसी ने कुछ लिखा क्या, स्क्रीन नॉट विजिबल, शुभम कपूर। शुभम दिखाई दी भाई स्क्रीन? सर अब दिख रही है, पहले नहीं दिखती थी। अच्छा अच्छा अब दिख रही है, चलो अभी अभी मैं वापस। आपने बोलो, आपने सर इस बात की इम्पोर्टेंस बताई कि मतलब मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगा तो उसके ऊपर जाना नहीं है, तो लेकिन सर आपने ये वाली बात हमें क्यों बताई कि एक ही टाइम पे मतलब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा मतलब उनके एलिमेंट का, ये बात क्यों बताई, इसकी इम्पोर्टेंस ये क्या बात है? मैंने इसलिए बताई कि जिससे कि आपको ये पता चले कि प्रिंसिपल स्ट्रेस एक नहीं दो होते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस जोड़ा है, एक पेयर है, वो सिंगल नहीं होता, इट ऑलवेज अपीयर्स इन अ पेयर। ठीक, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम डायरेक्ट स्ट्रेसेस, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस हैं। अच्छा ठीक है। और जब मैक्सिमम अपीयर होता है एग्जैक्टली उसी समय मिनिमम भी अपीयर होता है, ये था इसकी सिग्निफिकेंस। तो हमने मैक्सिमम को एक्सीड नहीं करवाना है, मिनिमम तो खैर उससे तो कैसे टूटेगा कोई भी चीज, मैक्सिमम से ही टूटेगी। तो ये थी इसकी बात, तो ये बात समझ आ गई आपको। तो यहाँ पर आपको ये जो दो फार्मूले उसमें वीडियो में दिखाए थे वो यहाँ पर भी शो किए हुए हैं, इक्वेशन वन एंड टू, कैन यू सी दिस, दिखाई दे रहे हैं? हाँ, तो ये जो आपको पीडीएफ शेयर किया था ये उसी में है, ये बुक में। अब मैं आपको पीडीएफ में यहाँ से बताता तो फिर इतना क्लियर नहीं होता। अब ये वाली डायरेक्शन, ये जो डायग्राम आपको दिखा रखा है कि कैसे ये स्ट्रेस अप्लाई किए गए हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस, ये ए वाला डायग्राम है, डायरेक्ट स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन अकम्पनीड बाई सिंपल शेयर स्ट्रेस, ये आपके वीडियो में एनालाइज कर दिया था। फिर दूसरा है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस इन वन प्लेन अकम्पनीड बाई सिंपल शेयर। तो अब यहाँ पर सिग्मा वाई जीरो है ये बी वाले डायग्राम में, तो इसका केस डिफरेंट हो गया। तो ये जो फार्मूले आ रहे हैं ये फार्मूले आपके यहाँ डेरिवेशन दिया हुआ है, तो इस डेरिवेशन को एक बारी आपने स्टडी कर लेना है कि ये जो हमारे दो डिफरेंट मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज़ आएंगी ये कैसे आएंगी। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की मैक्सिमम की वैल्यू ये है इक्वेशन 4 और मिनिमम की वैल्यू ये है इक्वेशन 5। ठीक, इक्वेशन 4 और 5 ये मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज़ हैं, और ये टाउ मैक्स मतलब कि आपका शियर स्ट्रेस भी कभी ना कभी मैक्सिमम होगा। तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम की वैल्यू आपकी ये टाउ मैक्स हो गई, ये इक्वेशन 6 है। तो अब इन सभी इक्वेशंस का जो एप्लीकेशन है, मेन पार्ट आपका एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हमने इसको यहाँ पर समझना है। तो बेसिकली जो हमारे मेजर रिजल्ट्स हैं, मेजर रिजल्ट्स वो हमारे ये आते हैं कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ये पहला पार्ट मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस का हो गया। फिर उसके बाद मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, इन दोनों फार्मूलों में डिफरेंस अगर आप देखेंगे देन देर इज नो डिफरेंस एट ऑल, ये कम्प्लीटली सेम इक्वेशंस हैं, टी की जगह सी कर दिया है बस। बोलो हेलो, हाँ बोलो भाई। समझ नहीं आई कि जो शियर स्ट्रेस है वो अलजेब्रिक डिफरेंस का हाफ कैसे होगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के? इसी के लिए तो मैंने आपको बोला था कि आप ये पढ़ के आना क्लास में, ये डेरिवेशन दे रखी है ना, आप ये बुक में डेरिवेशन पढ़ोगे तो समझ आएगा ना। ये एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ ऊपर वाले डेरिवेशन में देखेंगे कि यहाँ पर क्या था, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आर एट 90 डिग्री एंड आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड हुए हुए हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जब होगा, जब आपने वो वीडियो में देखा था कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब आ रहा था, एक मिनट में वीडियो वाला स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ। हाँ बीच में था, वही चीज तो मेरे को दोबारा शेयर करके दिखानी पड़ेगी ना अभी, वो जब क्वेश्चन रेज हो गया तो।
ये देखो अभी मैं उसी ग्राफ पर आ जाता हूँ इसको। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैक्सिमम ये कब था, यहाँ पर ये मैक्सिमम की वैल्यू जो आ रही है, ये नीले वाले ग्राफ में मैक्सिमम की वैल्यू की बात कर रहे हैं, नीला है आपका जो शेयर है। तो ये कहाँ पर है, ये एग्जैक्टली आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन वाले ग्राफ के सेंटर से होती हुई लाइन जो जाएगी वहां पर होगा, ठीक। तो ये कहाँ होगा, ये एग्जैक्टली जब होगा जब आपका ये ग्रीन वाला जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं इनका एलजेब्रिक एवरेज हो जाएगा। शुभम कुछ क्लियर हो पाया? यस सर, हो गया। तो यहाँ पर आप, ये तो थी आपकी ग्राफिकल वाली बात कि ग्राफिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होगा, बट बाय डेरिवेशन आपको वो बुक में डेरिवेशन दिया हुआ है कि ये एलजेब्रिक सम क्यों है। तो ये जो आपका नीले वाला ग्राफ है ये इसके बीच में से जाती हुई सेंटर वाली लाइन से जाएगा। जैसे आपका ग्रीन वाला ग्राफ मैक्सिमम जब हुआ था जब नीला जीरो हो गया था, ग्रीन वाला ही मिनिमम जब हुआ था जब नीला जीरो हो गया था, सिमिलरली नीले वाला मैक्सिमम कब होगा या फिर मिनिमम कब होगा, जब आपका ग्रीन वाला एवरेज वैल्यू पर आएगा, क्योंकि नीले वाले की एवरेज वैल्यू जीरो है, नीले वाले की तो एवरेज वैल्यू जीरो है और ग्रीन वाले की जीरो नॉन जीरो है, तो इसकी वजह से ऐसा है। मैं दोबारा से बुक वाली स्क्रीन शेयर करता हूँ। बुक कहाँ चली गई, हाँ ये रही। तो ये आपका जो एलजेब्रिक सम है ये टाउ मैक्स, दिस इज एलजेब्रिक सम ऑफ दोज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो ये एलजेब्रिक सम नहीं, डिफरेंस, एलजेब्रिक डिफरेंस का हाफ है ये। तो ये चीज आपने, ये फार्मूला इस पर्टिकुलर डेरिवेशन से आया है और इसको हमने यहाँ पर लिस्ट आउट किया हुआ है बुक में। तो ये तीन मेन फार्मूले हैं जिन पर आगे की जो एनालिसिस है वो चलेगी। तो इतनी बात सबको समझ आ गई कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या हैं, प्रिंसिपल प्लेन क्या है और इनका रोल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। इतना सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो अब आगे की बात क्या है, थ्योरीज ऑफ फेलियर। थ्योरीज ऑफ फेलियर इज बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो बेसिकली क्या है, अभी मुझे लगता है कि टाइम काफ़ी हो गया है और आप लोगों को भी ये प्रिंसिपल स्ट्रेस समझने में थोड़ा समय लग जाए, स्टडी करना पड़ जाए। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसको स्टडी कर लें और मैं आपको ये यूट्यूब वाला जो चैनल था उसका लिंक भी शेयर इसी में कर देता हूँ टीम में, तो आप वो वाले चैनल के और भी दूसरे वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, काफ़ी जल्दी से समझ में आ जाए ऐसे हैं। और फिर ये थ्योरीज ऑफ फेलियर को भी आप नेक्स्ट जब मैं शेड्यूल करूँगा तब पढ़ के आएंगे ज़रूर। ऐसा नहीं हो कि भाई मैंने ये आपको वो तो दे दी, PDF तो दे दी, आप पढ़ के ही नहीं आ रहे हो, फिर क्या फ़ायदा हो, फिर मैं अभी खोल के ही दिखा देता बस सीधे। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट है तो बोलो। नहीं, सभी को आज जो बताया अभी तक वो सभी को क्लियर है? हाँ जी, यस सर। अच्छा, अब ये दूसरी बात। हाँ बोलो, कौन बोलो? हाँ, मैं आदित्य सर। सर, ये जो शियर स्ट्रेस का आपने ग्राफ दिखाया तो उसमें एक बार शियर स्ट्रेस हाई मतलब कि अबोव द एक्सिस है और बिलो द एक्सिस, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव में वेरी कर रही है सर उसकी वैल्यू। हाँ, हाँ, ऐसा हाँ, क्यों है सर, मतलब कि डायरेक्ट स्ट्रेस तो पॉजिटिव ही है हर बार? नहीं, वो तो इस डायग्राम में पॉजिटिव है, वो भी ऊपर नीचे जा सकता है। डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू पॉजिटिव मींस टेंसाइल ओनली, डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू नेगेटिव मींस कंप्रेसिव। ऐसे ही शियर स्ट्रेस की वैल्यू अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फ्लक्चुएट हो रही है, यानी कि एक बार जो है उसका शेप का डिस्टॉर्शन अगर एक तरफ होगा तो दूसरी बार दूसरी तरफ होगा। जैसे इंक्लाइंड प्लेन जो है ना, इंक्लाइंड डायरेक्शन, कि जैसे आप समझ लो कि एक पैक ऑफ कार्ड्स है, ताश की गड्डी होती है ना। यस सर। उसको डब्बे से बाहर निकाल के टेबल पे रख लिया और ऊपर वाले कार्ड को सरकाया, तो एक बार एक डायरेक्शन में सरकाया, दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में सरकाया, तो ये जो दो अलग डायरेक्शन में शेप चेंज होएंगी, ये दो अलग डायरेक्शन के शियर स्ट्रेसेस हैं। समझ आ गया ना? हाँ, यस सर। तो ये चीज थी। अच्छा, अब दूसरी बात कि ये जो स्टूडेंट्स अपीयर नहीं हुए आज, जैसे चोंगथम हो गया,
फिर कौन आया, कृष्णा है, लोकेश चौधरी है, पंकज पवार, सचिन पाटीदार और सिमरन। ये अभी मेरे को शो कर रहा है कि ये लोग ये इन्होंने आज क्लास नहीं अटेंड की। तो लोकेश और कृष्णा राज वैसे ही नहीं है, वैसे नहीं है, मतलब लोकेश का तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था इस समय। अच्छा ऐसा था क्या? अच्छा अटेंडेंस शीट में था इनका नाम, इसलिए इनको इनवाइट किया हुआ होगा। तो लोकेश और कृष्णा राज का, अच्छा वो सेमेस्टर से बाहर हैं। और चोंगथम, चोंगथम तो है ना? यस सर वो तो है, चोंगथम है, पंकज है, सचिन और सिमरन है। सर वो प्लांट गए हुए हैं, उनको सर प्लांट गए हुए हैं, वो प्लान में है, मतलब उनको अभी यूज करने नहीं आ रहा था जिसके कारण वो कनेक्ट नहीं हो पाया। कल अगले क्लास से वो कनेक्ट हो जाएंगे सर। अच्छा ये कौन बोला? प्रवीण है, प्रवीण। हाँ भाई प्रवीण, तो तुम जरा उनको बता दे। प्रवीण तो उन लोगों को बता देना कि देखो ऐसा है, मैंने आपको पहले भी मेल किया हुआ है कि इस ये अटेंडेंस रिक्वायरमेंट में है तुम्हारी, तो ऐसा नहीं है कि ये एबसेंट हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि तुम्हारी अटेंडेंस का करना क्या है, ठीक, भले यूजीसी का एक नोटिस आया हुआ है, एनडीआरआई का नहीं आया, तो तुम्हारी अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट के लिए हो सकता है ये वाली अटेंडेंस को हम माने अगर नोटिस आता है तो इसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग नहीं आए हैं इनको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड, अटेंडेंस आनी चाहिए। मैंने आपको मेल में भी लिखा था अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक। दूसरी बात कि नंबर ऑफ क्लासेस इतनी ज़्यादा नहीं पॉसिबल हो पाएंगी जितनी हमारी रेगुलर फिजिकली क्लासेस हो सकती हैं, तो अच्छा ये रहेगा कि जो भी आपको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया है आज या पहले कभी ईमेल से या एमएस टीम से जैसे भी प्रोवाइड किया है, आप उसको स्टडी ज़रूर करें एक बारी, क्लास में आने पर आप उसके डाउट्स रेज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि दोनों का टाइम बच जाएगा, आप लोगों को जो नहीं क्लियर हुआ है सिर्फ उस पर हम फोकस कर सकेंगे रेदर देन उस चीज़ पर फोकस करने की कि जो आपको पढ़ के आराम से समझ में आ सकता है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट है? नो सर। सबको सब कुछ क्लियर हो गया अभी तक का? हमने सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्लेन के बारे में ही बात कर पाए हैं, थ्योरी ऑफ फेलियर भी मुझे करना था पर वहां तक पहुंचे नहीं। तो अभी मैं जब नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास शेड्यूल करूंगा, तो जैसे अभी मैंने दो दिन का नोटिस दिया था इस बार का भी, तो हो सकता है आपको इतना नोटिस ना भी मिल पाए क्योंकि सेमिस्टर काफी ज्यादा हो चुका है और कम ही समय बचा है। क्या हुआ अभी, कौन बोल रहा है पीछे से? तो चलो किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो हम क्लास एंड करेंगे। बस आप ये नोट कर लें कि नेक्स्ट क्लास में आप अपने डाउट्स रेडी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? यस सर। ओके देन यू मे लीव नाउ। थैंक यू सर। ओके ओके धन्यवाद सर।